हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो अगर आपको भी कभी अपने बर्थडे या फिर एनिवर्सरी की पार्टी चलती हुई मेट्रो में मनाने का मौका मिले तो क्या आप उस मौके को छोड़ सकते हैं? नहीं ना। हो सकता है कि इससे पहले आपने कई रेस्टोरेंट्स में एयर हैंगिंग टेबल या एरोप्लेन की डिजाइन में बने रेस्टोरेंट की ही तरह अलग अलग रेस्टोरेंट में पार्टी की होगी या खाया होगा, लेकिन चलती हुई मेट्रो में पार्टी करना पहली बार ही सुन रहे होंगे। जी हाँ, शायद आपको यह सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए NMRC एक मौका दे रहा है जहाँ आप किसी भी इवेंट जैसे बर्थडे, प्री वेडिंग शूट या एनिवर्सरी पार्टी पूरे परिवार या दोस्तों के साथ मना सकते हैं। NMRC ने इसकी शुरुआत फरवरी 2020 में ही करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। और फिलहाल नोएडा में कोरोना के मामले कम होने पर NMRC ने इस अनोखे इवेंट को शुरू करने का फैसला किया है। ये सुविधा नोएडा के एक्वा लाइन के स्टेशन और कोचेस के लिए होगी। इसके लिए NMRC ने इवेंट मैनेजमेंट फर्म की हायरिंग के लिए नियुक्ति भी निकाली है। अब मैनेजमेंट फर्म की हायरिंग के बाद आप भी अगर मेट्रो में अपना बर्थडे, एनिवर्सरी पार्टी या प्री वेडिंग शूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बशर्ते आपको केक काटते हुए मोमबत्ती जलाने की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ, सेफ्टी को देखते हुए ऐसा न करने की हिदायत दी गई है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं अगर आप मेट्रो स्टाफ से परमिशन ले लेते हैं तो। अब बात आती है, यह सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी मेट्रो को? आपको पता है कि जो मेट्रो का जो कॉस्ट हो बनाने का काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको डे टू डे रन में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसलिए जो मेट्रो होते हैं ये अलग अलग तरीके निकालते हैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से मेट्रो की कोच को एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स की तरह रैप करना हो गया, या मेट्रो स्टेशनों पे आप देखे होंगे जो बोर्ड्स लगे होते हैं एडवर्टीजमेंट के, कई सारे चीज़ें जैसे कि स्टेशन के ऊपर मॉल बनाना हो गया, स्टेशन के अंदर ही किसको होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल मेट्रो अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करती हैं। इसी में NMRC भी एक नया सुझाव लेके आया है। देखो यह कितने लोगों को पसंद आता है। कोचेस को आप बर्थडे, प्री वेडिंग शूट, एनिवर्सरी बनाना एंड फिल्म डॉक्यूमेंट्री या फिल्म की शूटिंग के लिए भी बुक कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप बिना रनिंग कोच या फिर बिना डेकोरेटेड कोच को आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल 5,000 रुपये देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप बिना रनिंग कोच बट आपको डेकोरेटेड चाहिए कोच, उसके लिए आपको 7,000 रुपये देना पड़ेगा। अब तीसरा बात आती है कि अगर आपको रनिंग कोच चाहिए लेकिन डेकोरेटेड ना हो, उसके लिए आपको 8,000 रुपये देना पड़ेगा। अब चौथा है, आपको डेकोरेटेड कोच भी चाहिए और रनिंग भी चाहिए तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। इसमें आपको स्टैंड्स, फ्लावर और बैनर्स के साथ आप कोच को डेकोरेट भी कर सकते हैं। पर सुबह के 6 बजे से रात सुबह के 2 बजे तक आप कोच को या स्टेशन को बुक कर सकते हैं, और एक कोच में अधिकतम 50 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। और आपके पास टोटल कुल 4 कोचेज होंगे तो आप अधिकतम एक साथ 200 लोगों के साथ अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, एक अच्छा सुनहरा मौका जो कि नोएडा मेट्रो आप लोगों के लिए लेके आई है, आशा करता हूँ आप सभी को यह पसंद आएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।